और ये मजेदार वर्ड्स कोई आम वर्ड्स नहीं है ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपने कभी नहीं सुने होंगे और अगर सुना भी होगा तो आई एम श्योर इसकी मीनिंग आपको नहीं पता होगी आई एम श्योर इन वर्ड्स को सीखने में आपको जितना मजा आएगा उतना ही मुझे सिखाने में भी आएगा और हाँ इन सारे वर्ड्स के बीच में आपके लिए एक सरप्राइज भी है मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ क्विज क्वेश्चन रिलेटेड टू क्रिकेट इन सारे क्विज के क्वेश्चन के आंसर्स को आपको कमेंट्स में लिखकर मुझे बताना है और एंड में बताना है कि आपने कितने आंसर्स सही गेस किए हमारा पहला वर्ड है बीमा बीमा एक ऐसी बॉल होती है जो बाउंस नहीं करती और वो बैट्समैन के हेड हाइट के थ्रू जाती है अगर एक फास्ट बॉलर ने बैट्समैन को एकदम स्ट्रेट एम किया है तो ये बॉल बहुत ज्यादा डेंजरस मानी जाती है एंड कई बार बैट्समैन गुस्सा भी हो जाते हैं अगला वर्ड है फेदर बेड फेदाबेड फेदर बेड को समझने का सबसे इजी तरीका है ये समझ लो कि एक बेड हो और वो पूरे फेदर से भरा हो यानी कि एक बहुत ही सॉफ्ट कोजी सा बेड और ये बेड हम क्रिकेट में कैसे यूज करेंगे चलो देखते हैं वेल फेदर बेड एक फ्रेंडली पिच होता है जहां पे रन बनाना बैट्समैन के लिए बहुत ईजी हो जाता है अगला वर्ड है ग्रबर well, मतलब है एक ऐसी बॉल जो हार्डली बाउंस करती है शायद ही कभी बाउंस करती है That is called चलो अब मुझे कॉमेंट्स में बताओ कि आईपीएल के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा विकेट किस क्रिकेटर ने लिया है टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन टाइम्स फटाफट से मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ मूविंग ऑन अगला हाफ वॉली हाफ वॉली को समझने के लिए इस वीडियो को देखो बॉल दैट इज पर ड्राइविंग एक ऐसी लेकिन फुल टॉस नहीं देती है नाइक ना, मतलब है कि लेग साइड से किसी बॉल को मारना विथ अ लॉट ऑफ एफर्ट बहुत ज्यादा मेहनत करके लेग साइड से बॉल को मारना दैट इज कॉल्ड हॉइक वेल इसे ज्यादा यूज किया जाता है वन साइड शॉर्ट के लिए इस वीडियो को देख के आप इसे समझ सकते हो अगला वर्ड है लिफ्टर बहुत ही कॉमन वर्ड है जिसका मतलब होता है कोई ऐसी बॉल जो अचानक से अनएक्सपेक्टेडली आ जाए दैट इज कॉल्ड लिफ्टर फिर दोस्तों अगला वर्ड बताने से पहले मुझे फटाफट से कमेंट्स में बताओ कि आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा घबराहट होती है या फिर अगर आपके बॉस ने बोला है कि कल आपको प्रेजेंटेशन देनी है तो आपके अंदर एक नर्वसनेस हो जाती है वेल तो दोस्तों ये जो नर्वसनेस है ना ये सिर्फ एग्जाम देने वालों के अंदर या फिर प्रेजेंटेशन देने वालों के अंदर नहीं होती ये नर्वसनेस हर बैट्समैन के भी अंदर होती है कैसे चलो सीखते हैं अपने अगले वर्ड से सो so, अगला वर्ड है नर्वस 90s ओके सो नर्वस 90s का मतलब है वो प्रेशर वो नर्वसनेस जो बैट्समैन के अंदर तब होता है जब वो 90 से 99 रन के बीच में होता है

अब आपको मुझे बताना है कि आईपीएल के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन किस क्रिकेटर ने बनाए हैं। नाउ आई गिव यू टेन सेकेंड अगेन टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन स्टॉप फटाफट से मुझे कमेंट्स में बताओ अगला वर्ड बहुत ही इजी और कॉमन है दैट इज पैडल 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 को समझने के लिए इस वीडियो को देखो वेल well, पैडल का मतलब होता है स्वीप शॉट हमारा अगला वर्ड है प्लम ध्यान रखना ब का साउंड नहीं आएगा प्लम प्लम इज द वर्ड प्लम का मतलब होता है जब बैट्समैन इज क्लियरली एल बी डब्ल्यू बैट्समैन को क्लियरली एल बी डब्ल्यू घोषित कर दिया जाता है इवन एट फुल स्पीड अगला वर्ड है स्लेजिंग स्लेजिंग well, का सिर्फ एक ही मतलब है चाहे वो क्रिकेट में हो चाहे वो कॉमन इंग्लिश में हो स्लेजिंग का मतलब होता है जब आप गुस्से में किसी किसी को को इंसल्ट करते हो या अपशब्द कहते हो एंड आपने क्रिकेट पिच पे तो देखा ही होगा कि कैसे बैट्समैन एक दूसरे को कभी मोटिवेट करने के लिए कभी डीमोटिवेट करने के लिए स्लेजिंग का यूज करते हैं यानी कि इंसल्ट करते हैं या करते हैं अगला वर्ड है नाइट वॉचमैन नाइट वॉचमैन एक नॉन बैट्समैन होता है जिसे एंड ऑफ द डे प्रमोट किया जाता है टू प्ले द गेम तो इन्हें प्रमोट क्यों किया जाता है जबकि ये एक नॉन बैट्समैन होते हैं चलो वो समझते हैं well, वेल कई बार ना अपने रेकग्नाइज अपने फेमस बैट्समैन को बचाने के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि वो फाइनल ओवर्स में खेल पाए इसीलिए नाइट वॉचमैन को रखा जाता है ताकि वो एंड ऑफ द डे गेम खेले और उनके जो रेकोग्नाइज बैट्समैन हो वो प्रोटेक्टेड रहे टू प्ले इन द फाइनल ओवर्स अब फिर से बारी है हमारे क्विज क्वेश्चन की रेडी हो चलो अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आईपीएल में सबसे ज्यादा मैचेस किस क्रिकेटर ने खेले हैं अगेन यू हैव टेन सेकेंड्स टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन जीरो राइट इन द कमेंट्स। अगला वर्ड है किंग्स पैर

वैसे ये डॉली तो साउंड करता है किसी लड़की के नेम की तरह है ना वेल इसकी मीनिंग बहुत ही सिंपल है इसका मतलब होता है एक एक बहुत ही कैच जो एक फील्डर लेता है अगला वर्ड है गोल्डन डक वेल गोल्डन डक का यूज तब होता है जब कोई बैट्समैन बिना रन बनाए पहली ही बॉल पे आउट हो जाता है इस टाइम पर हम गोल्डन डक का यूज करते हैं हमारा अगला वर्ड है जैक जैक का मतलब होता है इलेवेंथ बैट्समैन यानी कि आखिरी बैट्समैन अगला वर्ड है पिकेट फेंसेस चलो इसे डिटेल में समझते हैं पिकेट का मतलब है एक ऐसा जिसमें हर एक डिलीवरी पे एक रन बनता है पिकेट ना, बिल्कुल ना इस तरह का दिखता है और आज का हमारा आखिरी वर्ड है अनक्याप्ट। अनक्याप्ट उस प्लेयर के लिए यूज किया जाता है जिसने कभी भी इंटरनेशनल लेवल पर नहीं खेला और आज का हमारा आखिरी क्विज क्वेश्चन आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि फर्स्ट आईपीएल सेंचुरी किस क्रिकेटर ने बनाई थी राइट इन द कमेंट्स

इस मजेदार लेसन की तरह मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बहुत अलग है बहुत खास है जिसमें मैंने बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सिखाई है और बोलने की प्रैक्टिस करवाई है इसमें आपको सिक्सटी से ज्यादा वीडियो लेस मिलेंगे लाइव क्लासेस की ऑप्शन भी है नोट्स मिलेंगे क्विज मिलेंगे प्रैक्टिस ग्रुप होगा जहां स्टूडेंट्स ऑडियो और टेक्स्ट मैसेजेस में प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका फ्लुएंट होने का सपना सर्च हो सके आपके प्यार से मुझे इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन इंग्लिश कोच का अवार्ड मिला है और इसी प्यार के लिए कह रहा हूं कि यह कोर्स जरूर ट्राई करो आपकी लाइफ चेंज कर देगा लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप अव्वल इंग्लिश डॉट कॉम पर भी जा सकते हैं अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल